चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को ज्वाइन किया था, जिसके बाद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोगों ने उनके सपोर्ट में उतर गए और फाइनली निरहुआ आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसपे सभी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पे भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह ने भी सपोर्ट किया है। उन्होंने भी कहा है कि वह निरहुआ के लिए जमकर चुनाव प्रसार करते हुए नजर आने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें कि पवन सिंह ने 2017 में ही भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को ज्वाइन किया था, जिसके बाद वो हमेशा बीजेपी की रैलियों को जमकर प्रमोट करते हुए नजर आते थे, लेकिन वो अब आजमगढ़ में अपना डेरा डालने वाले हैं और निरहुआ को जमकर प्रमोट करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग निरहुआ के सपोर्ट में उतर चुके हैं और आजमगढ़ को ही अपना स्थान बना दिया और सभी लोग अपने अपने तरीके से सोशल मीडिया हो या फिर लोकल रैली में सभी भोजपुरी स्टार निरहुआ को जमकर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कुछ वीडियोग्राफ पहले ही सोशल मीडिया पर पूरी तरह से हावी हो चुकी है। लेकिन अब देखना यह कि पवन सिंह के इस बयान से क्या निरहुआ को फायदा हो पाएगा, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि निरहुआ को पवन सिंह जमकर प्रमोट करने वाले हैं और जब भी पवन सिंह का कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें लाखों लाखों संख्या में भीड़ होती है। ऐसे में कुछ ना कुछ पवन सिंह की पॉपुलैरिटी का फायदा निरहुआ को जरूर होने वाला है और अब देखना ये होगा कि क्या पवन सिंह के प्रमोशन से क्या निरहुआ को फायदा होगा या तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन निरहुआ भी अपनी कमर जोर शोर से कस चुके हैं और अपने आजमगढ़ क्षेत्र में बड़े ही जोर शोर से चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं।